أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Grade 8 Welcome to Physics class and today we are going to solve some examples related to distance and speed formula and I will suggest you before watching the video you will open the page number 37 example 2.1 but I will dictate the example for you that how you can understand the data from example The fastest speed for a garden snail was recorded. Snail एक छोटा सा कीड़ा होता है कहता है उसकी जो स्पीड रिकॉर्ड की है जैसे स्नेल कवर्ड 330 मिलीमीटर डिस्टेंस इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्नेल. ठीक है, वो कह रहा है एक स्नेल है, वो जो कीड़ा है छोटे छोटे रिंग वाला कीड़ा होता है, उसने 330 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर की है. एक्चुअली आपके पास जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है वो मीटर है, तो आगे जाने से पहले आप फौरन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो. मिली है, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए मैं 1000 पे डिवाइड करूंगा. देखो मिलीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है, छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. मैंने उस 1000 से डिवाइड किया है जिससे मेरे पास 0.33 मीटर आ गया. एंड वो कह रहा है कि जो टाइम इसमें लगे वो 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड लगे, यानी कि 2 मिनट और 20 सेकेंड. अब इसकी भी ऐसा यूनिट सेकेंड है तो मुझे सेकंड में जाना पड़ेगा, 2 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए मैंने 60 लिख दिया है और ये प्लस 20 अपनी जगह पे, जिससे टोटल जो है ना देखें 2 मिनट के 120 सेकंड हो गए और 20 सेकंड मजीद लग गए तो टोटल 140 सेकंड हो गए. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को पुट करना है. आई विल पुट डिस्टेंस की वैल्यू, आप देख सकते हैं कि 0.33 है जबकि टाइम की वैल्यू 140 है, जिससे आपके पास जो वैल्यू है वो 0.0024 मीटर पर सेकंड आ गई है. ठीक है, यानी कि वो दिस इज द स्पीड ऑफ स्नेल व्हिच इज रिकॉर्डेड इन अ गार्डन. ओके, अब हम इसके बाद असाइनमेंट नंबर, बिल्कुल इसके नीचे असाइनमेंट नंबर 2.1 है जिसमें कह रहा है इन 2009 स्प्रिंटर यूसिन बोल्ट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन बाय रनिंग 100 मीटर इन जस्ट 9.58 सेकंड. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड. ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि एक बंदा जिसने 100 मीटर डिस्टेंस 9.58 सेकंड में कवर करने की रिकॉर्ड बनाया है तो आप बताओ उसकी स्पीड कितनी है. ठीक है, वेरी सिंपल है, आपको डिस्टेंस भी गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, सिर्फ आपने एक काम करना है, हमने डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी है. वी विल पुट 100 मीटर यूनिट पुट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 9.58 सेकेंड. हम इसमें 9.58 सेकेंड को पुट कर लेते हैं जिससे ऑलमोस्ट मेरे पास जो आंसर है वो 10.43 आ जाएगा. ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी 10.43 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जाम्पल 2.2. उसके लिए आप पेज नंबर 39 ओपन कर लो. आई एम रीडिंग द एग्जाम्पल. आपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से समझना है, इसकी क्या स्टेटमेंट है. ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप स्ट्रेट ट्रैक इज अ 1200 मीटर इन लेंथ. एक ट्रैक है जिसकी लेंथ 1200 मीटर है. अ रनर बिगिन एट अ स्ट्रेट लाइन run due east for the full length of track and turn around and run half way back. इसमें कह रहा है कि वो ट्रैक के ऊपर पहले गया है, उसने पूरा कवर किया है, फिर आधा वापस भी आया है. अब आप देखें उसने दो डिस्टेंस कवर किए हैं, एक डिस्टेंस जो उसने ट्रैक में फुल गया है दैट इज 1200 मीटर, और फिर वो वापस आया है, वापस आके उसने आधा डिस्टेंस कवर किया, जिसका मतलब है कि वापसी पे भी उसने 600 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. तो ये इसके दो डिस्टेंस है, ये इसके दो डिस्टेंस है, और टाइम जो टोटल जर्नी में उसका टाइम लगा है वो 5 मिनट है. 5 मिनट को मैं 60 सेकंड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 300 सेकंड, यानी कि 5 मिनट में 300 सेकंड आ जाते हैं. अब हमने इसकी पहले एवरेज स्पीड मालूम कर ली है. एवरेज स्पीड इसकी मालूम करने के लिए देखिए दो डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस कौन से है 1200 और प्लस 600 डिवाइडेड बाय इसके 300, ये हो गए जिससे आपके पास 1800 डिवाइडेड बाय 300 आ जाएगा. 2 0 2 0 से कैंसिल, 3 1 3 6, तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी. ठीक है, यानी कि 1 मिनट में वो 6 सेकंड में वो 6 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है. दिस इज द स्पीड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू असाइनमेंट 2.2. ठीक है, असाइनमेंट 2.2 के अंदर आप क्वेश्चन देख सकते हैं. अ रनर रन 1 लैप राउंड अ
270 मीटर सर्कुलर ट्रैक इन 30 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक रनर है जिसने एक लैब कंप्लीट की है, जिसकी जो आपके पास टोटल आप कह सकते हैं कि उसकी जो है दैट इज 270, इट इज 270 मीटर, और उसने कवर किया ये सारा कुछ 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड भी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी भी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसने फॉर एग्जांपल 270 कवर किया है, डिस्टेंस 30 सेकंड है, 00 से कैंसिल, 39 आर, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें मालूम करना है, जो कि फार्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जैसे कि आप देखते हैं कि उसने कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक कवर किया ना, कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक का मतलब है कि उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया और जहां से उसने शुरू किया वो वहां पर ही वापस आ गया था, यानी कि उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो गया। ठीक है, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए इसके जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज जीरो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपके पास 9 मीटर पर सेकंड आ गई है, जबकि एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ गई है, क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, वो वापस उसी जगह पर आ गया है। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, वो चीज ये है कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये वाली जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं जरा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इस एग्जाम्पल में भी वो एवरेज वेलोसिटी भी मांग रहे हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एवरेज वेलोसिटी भी मांग रहे हैं कि आपने एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अब आप इस चीज को ये देखिए कि इसने पहले इस डायरेक्शन में 1200 मीटर कवर की है और फिर इस डायरेक्शन में 600 मीटर, तो जो टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 1200 से 600 माइनस कर ले, यानी कि 600 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, 600 इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम तो वही लगे हैं जो 300 सेकंड लगे हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो इसकी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने फर्क समझना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज स्पीड में आपने डिस्टेंस पुट किया था जो 1800 मीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 600 मीटर है, क्योंकि पहले वो आगे गया फिर वो वापस आया, जितना डिस्टेंस वो वापस आया उतना मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। You have to solve these numerical on your neat notebook. Then you have to show me. If you have any confusion, you can ask me anytime. I am here for you. Thank you very much. Allah Hafiz.